एक क्वेश्चन के तौर पे पहले लाएंगे कल जब हम लोग ब्लीचिंग एजेंट और ब्लीचिंग प्रॉपर्टी पर जब काम किए थे तो पहले एक क्वेश्चन के तौर पे लाएंगे ब्लीचिंग एक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर is due to pehla option CaOCl hold, dusra option CaOCl, tisra option CaCl2, chautha option CaClO2 hold. ye question स्मार्ट क्वेश्चन बोला जाना चाहिए, अच्छे क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है। हालांकि ये आईपीएमटी में ये सवाल पूछा गया था, ये क्वेश्चन एग्जैक्टली 2012 का क्वेश्चन था कि ब्लीचिंग एक्शन ब्लीचिंग प्रॉपर्टी का ब्लीचिंग पाउडर का किस वजह से है, ड्यू टू पहला CaOCl का होल्ड, दूसरा CaOCl2, तीसरा CaCl2 और चौथा CaClO2 का होल्ड। अब इस पर हम बात करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, समझिएगा। सबसे पहले आपको हम एक बार आजादी देते हैं कि आप इस क्वेश्चन का आंसर बताएं, जिनको बोलना है बताइए कि क्या आप आंसर करेंगे इस क्वेश्चन को। ए सर, ए ए सर, ए बी सर, बी सर, बी होना सर, बी सर, बी बी सर, बी बी सर, सर बी 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 सर, बी सर, बारी बारी से पूछते हैं, ए के लिए कौन कौन एग्री, ए मैं सर, बलराम सर, ए सर, एंडी मोवलम, बलराम ए, और सर ए, ए अविनाश ए, सर ए, और कौन है, ए सर रवि, सर अनमोल ए, सर ए, रवि राज ए, ए आदित्य सिंह ए, सर रवि ए, अनमोल ए पर भी सी होगा सर, सी इज द राइट आंसर, सी होगा सर, ए इज द राइट आंसर। 2012 एआईपीएमटी में जब सवाल आया था ये मेडिकल की तैयारी कराने वाले सब, वीडियो रुक गया सर, नहीं मोहित नेटवर्क इशू है, चलो भाई, मेडिकल की तैयारी करवाने वाली सबसे बड़ी कोचिंग इंडिया की है, नाम नहीं बोलेंगे आप जानते हैं, वो इस क्वेश्चन का आंसर किया था बी, बहुत सारे लोग बी किए थे, इनफैक्ट ज्यादातर कोचिंग की तरफ से सवाल का आंसर बी आया था। उस समय में जाहिर सी बात है कि कोई बड़े कोचिंग अगर किसी क्वेश्चन का जवाब करती है तो बाकी लोगों को भी मानना पड़ता है, ज्यादातर लोग मानता है। हम इस क्वेश्चन का आंसर किए थे अपने हिसाब से ए, हम ए बना के सवाल किए, उस समय हम लोग पेपर में डालते थे, न्यूज़पेपर में आंसर डालते थे तो गया था, लेकिन ज्यादातर लोगों का जब बी आया तो मेरा भी मन बैठ गया कि लगता हम गलत हो गए। फिर एआईपीएमटी अपना आंसर लॉन्च की, और एआईपीएमटी जब आंसर लॉन्च की तो इसका आंसर लॉन्च किया गया ए, बी नहीं। बी इसलिए आता है क्योंकि सिंपली ब्लीचिंग एक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज ड्यू टू, तो सोचता है उसका फॉर्मूला CaOCl2, एक्चुअली आपसे फॉर्मूला नहीं पूछा, और मेरे दिमाग में ये क्यों गया कि हम ब्लीचिंग पाउडर को हर हमेशा से शुरू से ही थोड़ा एनालाइज करके पढ़ाया है। इनऑर्गेनिक में लोगों का जो तरीका है, कॉमन रवैया जो होता है इनऑर्गेनिक में, किसी चीज को लो, पॉइंट को लो, बनाओ रख लो, तो हम उस तरीके से कभी किए नहीं, कभी किसी टॉपिक में भी नहीं करते, तो ब्लीचिंग पाउडर को भी उसकी प्रॉपर्टी को एनालाइज किए शुरू से, एनालाइज करवाते हैं बैच, तो थोड़ा टाइम लगता है इलेबोरेशन में, क्लियर जाहिर सी बात है लगेगा ही अगर इलेबोरेट कीजिएगा किसी टॉपिक को, लेकिन वो आपके माइंड में लंबे टाइम तक स्टिक करेगा, और अगर आप क्वेश्चंस उल्टे पुल्टे पूछे जाए तब भी आप सही सही जवाब दे पाए। तो हाँ, आइए हम अपना नजरिया आपको दिखाते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। कुछ लोग अब इतना लंबा टाइम से हमसे पढ़े हैं इसलिए ए जवाब किए, बहुत अच्छी बात है, हैट्स ऑफ। आइए पहले हम ब्लीचिंग पाउडर को आपको समझाते हैं। ब्लीचिंग पाउडर, तो आप उससे पहले आपको ये याद होगा कि क्लोरीन कोल्ड में जाता है, OCl माइनस की वजह से HCl प्लस HCl, और जब हॉट में जाता है तो HCl प्लस HCl HCl प्लस HClO3 ClO3
इसी चीज का हम फायदा उठाते हैं और करते क्या है, CaOH2 पर क्लोरीन गैस 35 टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब अब इस चीज को अच्छे से समझा जाए, पहली बात ये स्लैग लाइन लेते हैं, ये लाइन जो है वो स्लैग लाइन। लाइन के अलग अलग फॉर्म होते हैं, जब लाइन कंप्लीटली ड्राई हो तो उसको हम लोग लाइन बोलते हैं, क्विक लाइम CaO। जब कंप्लीटली ड्राई, थोड़ा सा उसमें मॉइस्चर जब मौजूद हो, थोड़ा सा मॉइस्चर बहुत कम अमाउंट में मौजूद हो, तब हम लोग बोलते हैं स्लैग लाइन। बहुत मामूली अमाउंट में जब उसमें मॉइस्चर हो तब हम लोग बोलते हैं उसको स्लैग लाइन। लेकिन अगर वाटर का अमाउंट और ज्यादा है, थोड़ा गाढ़ा घोल प्रिपेयर हुआ, तब हम लोग बोलते हैं मिल्क ऑफ लाइन। और पानी मिलाइए और डाइल्यूट कर दीजिए, तब बोलते हैं लाइम वाटर। लाइम को चार फेज में हम लोग जानते हैं, क्या क्या बोला आपने, लाइम, क्विक लाइम। दोबारा दोहराइए सर उसको सर। फिर हमने मॉइस्ट लाइम, हल्का सा मॉइस्ट मॉइस्चर, दैट इज स्लैग लाइम, इसको बोलते हैं स्लैग लाइम इज मॉइस्ट लाइम। CaOH2 दिस इज ड्राई एंड मॉइस्ट लाइम। फॉर्मूला सबका यही होगा, थोड़ा और पानी मिलाए, कंसंट्रेटेड कॉन्क लाइम सॉल्यूशन, यदि गाढ़ा घोल हो तो इसको हम लोग बोलते हैं मिल्क ऑफ लाइम। अभी भी फॉर्मूला CaOH2 ही होगा, और जब पानी मिला दिए, डाइल्यूट लाइम सॉल्यूशन, काफी वाटर मिल गया इसमें, तब इस केस में हम लोग बोलते हैं बेटा इसको लाइम वाटर, लाइम वाटर सर। अब भी इसका फॉर्मूला CaOH2। तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं फिलहाल, जरा देखिएगा ठीक से। तो CaOH2 स्लैग लाइन पर, हल्का मॉइस्ट लाइन पर क्लोरीन डाल रहे हैं, और 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 9th-10th में इसको हम बिहार बोर्ड से पढ़े हैं, तो हमको अच्छे से ध्यान में है, स्टेट बोर्ड में हम लोग को 9th-10th में पढ़ाया गया था, आप लोग भी पढ़े होंगे जो बिहार बोर्ड वाले हो। जब भखड़े छूने पर, गर्म भखड़े छूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है, तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है, हॉट स्लैग लाइन, ब्लीचिंग पाउडर गैस फॉर्म। ये जो लाइन है इसमें पॉइंट क्या है ना, हम लोग हॉट बोलते हैं, हम लोग स्कूल में हॉट पढ़ा दिया जाता है, ज्यादातर लोग हॉट ही पढ़ाते हैं, लेकिन इस 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड को आप हॉट नहीं कह सकते, ये रूम टेम्परेचर के अराउंड का ही टेम्परेचर है, तो इसको आप गर्म नहीं कह सकते, ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है। तो इस केस में अब देखिए, क्लोरीन पहले इसको कोल्ड वाला प्रोडक्ट लेंगे कि हॉट वाला प्रोडक्ट लेंगे, ऊपर वाला कि नीचे वाला, ऊपर वाला सर, ऊपर वाला सर, ऊपर वाला सर, ऊपर वाला, वेरी गुड। तो यहां ऊपर वाला सर, वेरी गुड। तो यहां आएगा HCl plus CaOH2, CaCl2, ध्यान से HCl plus CaOH2, CaCl2, फिर HOCl plus CaOH2, CaOCl2। और प्लस वाटर आया, यही जो आपका मिक्सचर है, यही मिक्सचर आपका मिक्सचर कंपोजिशन जो है, दिस इज ब्लीचिंग पाउडर, यही हमारा ब्लीचिंग पाउडर है। यही बेटा हमारा ब्लीचिंग पाउडर है। अब जरा अच्छे से चीजों को समझा जाए, हम अगले पेज पर आते हैं, स्कोर क्लियर करते हैं। किन्हीं को यहां तक डाउट हो तो पूछ सकते हैं, कुछ भी अगर हो किन्हीं को। ब्लीचिंग पाउडर इज ए ग्रीनिश व्हाइट लूज पाउडर, ये ग्रीन, हल्का सा लाइट ग्रीन और व्हाइट कलर का लूज पाउडर है, विथ इनडेफिनिट कंपोजिशन। इसका कंपोजिशन डेफिनेट नहीं बोला जाता है, इनडेफिनिट कंपोजिशन। आइए जरा फॉर्मूले को देखिए, CaCl2 प्लस CaOCl2, अब इसको CaCl2 डॉट CaOCl2 भी कह सकते हैं,
ठीक से देखिए, आप इसको yes, sir. ठीक से देखिएगा, आप इसको डॉट मतलब प्लस एड है, एडेड है, तो आप ये भी कह सकते हैं. अब आप इसको सी ए टू ओ सी एल होल टू सी एल टू भी कह सकते हैं, सी ए टू ओ सी एल होल टू सी एल टू भी कह सकते हैं. ठीक से देखिए, आप इसको इसके फॉर्मूला को सी ए सी एल टू डॉट सी ए ओ सी एल होल टू डॉट थोड़ा सा बेस का अमाउंट अगर मौजूद रहा उसमें तो सी ओ एच होल टू भी कह सकते हैं, जिसमें सी ओ एच होल टू भी थोड़ा बहुत मौजूद रहेगा तो आप डॉट सी ओ एच होल टू भी कह सकते हैं, इसमें भी कोई दो राय. अब आप इस फॉर्मूले को जरा गौर करें, किसी को भी गौर कर सकते हैं. यहां से अब सोचे दो कॉमन ले लिए तो आप इसको टू सी ए ओ सी एल टू कह सकते हैं, टू कॉमन ले लिए तो सी ए टू और हो गया ओ टू सी एल फोर सी एल टू गुना टू, ये भी कह सकते हैं. इसका मतलब हुआ बेटा सी ए ओ सी एल टू जो आप ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है या इंपिरिकल, बोलो इंपिरिकल सर. इंपिरिकल सर, इंपिरिकल सर, इंपिरिकल फॉर्मूला. लोग इसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लोग बोलते हैं, ये पॉइंट को आप पहले क्लियर किए कि ये मॉलिक्यूलर. यस सर, यस सर, यस सर. अब हम अगर आए कि इसके ब्लीचिंग प्रॉपर्टी पर, तो जरा सोचो ब्लीचिंग प्रॉपर्टी ऑफ ब्लीचिंग पाउडर. तो ब्लीचिंग पाउडर है क्या? तो ब्लीचिंग पाउडर तो बेटा क्लोराइड और हाइपोक्लोराइड का मिक्सचर है. ब्लीचिंग पाउडर मिक्सचर है किसका? किसका? कैल्शियम क्लोराइड. क्लोराइड और कौन? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड ना. यस सर, यस सर, यस सर. हाँ, कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का वो मिक्सचर है ब्लीचिंग प्रॉपर्टी. तो ब्लीचिंग प्रॉपर्टी ब्लीचिंग पाउडर का जो कि इन दोनों का मिक्सचर है. अब सोचो ये किसके वजह से होगा? ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी. क्लोराइड रिड्यूसिंग एजेंट और Cl- ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो किसके वजह से होगा? ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी. ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की ऑक्सीडाइजिंग सर इज ड्यू टू इट्स ऑक्सीडाइजिंग पार्ट. तो इसका ऑक्सीडाइजिंग पार्ट कौन है? CaOCl2 या OCl एक ही बात हुआ, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ए. प्लीज रेज योर डाउन प्लीज. क्या सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर? अच्छे से समझे आ रही है सर? यस सर. तो ब्लीचिंग प्रॉपर्टी हम लोग ओवर किए. एस टू वाला एक एग्जांपल था. बी नंबर में हम लोग एसओ टू लिए थे. अब सी में आते हैं एसओ थ्री सल्फर ट्राइऑक्साइड. एस डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो. हाइब्रिडाइजेशन इज एसपी टू एंड बॉन्ड एंगल इज एग्जैक्टली 120. सिंपल है. अब ये जो रूम टेम्परेचर पर पाया जाता है वो SO3 के ट्राइमेरिक सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, अल्फा फॉर्म में. एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर इन सॉलिड ट्राइमेरिक स्टेट. नहीं समझे जी? S3O9 नो सर. को अल्फा SO3 भी बोलते हैं. अल्फा क्यों बोलते हैं? उसके पीछे स्ट्रक्चर में रीजन है, डिफरेंस है उसके अलग-अलग स्ट्रक्चर के कारण. एनीवेज तो SO3 हमने बोला, जैसे कि आपको क्या बोले BeCl2. तो BeCl2 बोल तो देते हैं लेकिन रूम टेम्परेचर पर किस में पाया जाता है? BeCl2 के होल टू डाइमर फॉर्म में पढ़ाए हैं आपको. डाइमर फॉर्म में सर. उसके ट्राइमर फॉर्म में S3
H3ON. जैसे P2O5 बोल तो देते हैं लेकिन P2O5 एग्जिस्ट नहीं करता रूम टेम्परेचर पर, वो होता है P4O10, पढ़ा है ना जी? P4O10 नो सर, नहीं पढ़ा है सर. उसी तरीके से P2O3 एग्जिस्ट नहीं करता, वो P4O6 एग्जिस्ट करता है. तो एनीवेज ऐसा होता. अब आइए तो SO3 इसमें एग्जिस्ट करता है. तो हम अगला एग्जांपल ले भी लेते हैं, S3O9 ही ले लेते हैं. इसको अल्फा सल्फर ट्राइऑक्साइड भी बोलते हैं. आप इसको बेटा अल्फा सल्फर ट्राइऑक्साइड भी कह सकते हैं या इसका दूसरा नाम साइक्लिक सल्फर ट्राइऑक्साइड भी कह सकते हैं स्ट्रक्चर के कारण. साइक्लिक सल्फर ट्राइऑक्साइड IIT 2005 के एडवांस्ड में आया था. कैसे बनाओ स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर बहुत इजीली हम लोग स्मूथ इंजीनियरिंग के टाइप में बना देंगे सर. क्या बोले बेटा? सर बेंजीन रिंग के टाइप में बना देंगे जिसमें तीन जो हां चार सल्फर होंगे वो उस पे दो दो ऑक्सीजन लगा देंगे. यस सर. अब एक यस सर. बहुत सिंपल है. अब हाइब्रिडाइजेशन सल्फर का हो गया sp3. अब sp3 के कारण ये sp3 हो गया इसका हाइब्रिडाइजेशन यहां पर. अब यहां पर नंबर ऑफ SOS बॉन्ड कितना है? यही पूछा था 2005 IIT एडवांस में. तो 2, 4, और 6 18 सर. 18 SOS बॉन्ड. SO टोटल बॉन्ड नहीं है, SOS. SOS 1, 2, 3 सॉरी 3 SOS बॉन्ड 1, 2, 3. आइए अब लेते हैं हम लोग H2SO3. क्या बोलते हैं? वीडियो फास्ट हो गया सर. सर वीडियो रुक गया. सल्फ्यूरस एसिड. हां यस H2SO3. क्या बोलते हैं हम लोग? सल्फ्यूरस एसिड. सल्फ्यूरस एसिड गुड. सल्फर के बहुत सारे एसिड्स हैं, सल्फ्यूरस, सल्फ्यूरिक, पायरोसल्फ्यूरिक, बहुत सारे से हैं, थायोनिक, पॉलीथायोनिक, डायट्राय, टेट्रापेंटा, ऐसे करके हम लोग बोलते हैं थायोनिक, थायोसल्फ्यूरिक, बहुत तरह के सल्फर के एसिड्स हैं. अब हम लोग सल्फर के ऑक्साइड्स के बाद सल्फर के एसिड्स पर जा रहे हैं. तो पहला उठाया गया एग्जाम्पल H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड. एसिड के लिए सबसे पहले हाइड्रोजन की वजह से हम लोग बेसिसिटी डिफाइन. बेसिसिटी मतलब OH रिप्लेसेबल. तो दो ये सल्फर के साथ दो OH लगाएं. जब सल्फर के साथ आप दो OH लगाएंगे तो अब ऑक्सीजन की संख्या बचती है एक. एक डबल बॉन्ड सर, एक लोन पेयर सर. लोन पेयर रहेगा सर. अब एक आ गया लोन. क्या बोलते हैं हम लोग इसको? ट्वेल्थ में सल्फ्यूरिक के बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ना. तो हम सल्फ्यूरिक के बारे में आपको अभी अच्छे से पढ़ाएंगे. सल्फ्यूरिक पर बहुत सारी चीजें बातें करनी है. बी ब्लॉक में भी पढ़नी है सल्फ्यूरिक को, और इसकी कुछ चीजें सी ब्लॉक में भी पढ़नी होती है, मेटल से रिएक्शंस वगैरह. एस ब्लॉक में भी पढ़ना होता है मेटल से रिएक्शन वगैरह. पहले इसके प्रिपरेशन पर बात करते हैं. इसको बनाया कैसे जाता है? बहुत फेमस होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस. कॉन्टैक्ट प्रोसेस में एक कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं V2O5. बड़ी इंटरेस्टिंग बात है उससे जुड़ी हुई, हम आपको बताते हैं अगले पेज. यहाँ पर पहले कोई डाउट है तो आप रेज कर सकते हैं. आइए इसमें बात करते हैं इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ एस्क्यूज.
हम लोग ब्लॉक पर बहुत ज्यादा इंफेसिस देते हैं, बहुत सारे कंपाउंड का प्रिपरेशन आपको साथ में पढ़ाए भी हैं। जैसे आपको याद कीजिए तो हाइड्रोजन परऑक्साइड को कैसे पढ़ाते थे, 1-2 इथाइल एंथ्राक्विनोल को जब हम लोग ऑक्सीडेशन करते थे, वो सब आपको पढ़ाए हैं। तो H2O2 का ब्लीचिंग पाउडर का प्रिपरेशन आपको बताएं। इस तरीके से बराबर कुछ ना कुछ कंपाउंड का प्रिपरेशन आते ही रहता है। फिलहाल अभी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ H2SO4, इस प्रोसेस का नाम है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। जितना काम है बाकी आप एनसीईआरटी से देख लीजिएगा। कुछ टेक्निकल चीजें हम यहाँ डिस्कस करेंगे, खास करके जो मिस हो जाती है। सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं आप, सल्फर का O2 से रिएक्शन करवा करके एयर से अब तैयार कर लेते हैं SO2। ये तो जनरल स्टेप है। अब दूसरे स्टेप पर आइए, स्टेप 1। स्टेप 2 में ये जो SO2 आता है इसका कैटलिटिक ऑक्सीडेशन करते हैं, इसका कैटलिटिक ऑक्सीडेशन करते हैं, तब जाकर के ये SO3 में बनता है। ध्यान से सुनिएगा, पॉइंट क्या है एक्चुअली। अगर आप कैटलिटिक नहीं करें, कैटलिस्ट का इस्तेमाल ना करें, सीधे SO2 अगर O2 से रिएक्ट करें तो यह इक्विलिब्रियम रिएक्शन तैयार करता है, SO3 बनता है और ये रिएक्शन लार्ज एक्सोथर्मिक है, अच्छा खासा एक्सोथर्मिक है, लेकिन ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है। तो SO3 का अमाउंट, पहली बात तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो आप LC प्रिंसिपल देखिए, लीड जैकलियस प्रिंसिपल कहता है जब LC प्रिंसिपल लगाते हैं कि ये ऑलरेडी जब एक्सोथर्मिक है तो इसीलिए लो टेम्परेचर इज प्रेफर्ड। Yes, sir. तो हम लोग देखिए क्या करते हैं, टेम्परेचर को 410 से लेकर 450 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं, प्रेशर को 1-2 atm पे रखते हैं और एक कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं। अब इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाने के लिए कैटलिस्ट इज V2O5। क्या ध्यान दीजिएगा, तो अभी ये नॉर्मल है, अब ये चीजें लगाएंगे तो अब रिएक्शन कैसा हो गया, SO2+O2 लगभग 450 डिग्री सेंटीग्रेड, 1-2 atm प्रेशर और V2O5 के प्रेजेंस में अब ये SO3 में कन्वर्ट हुआ। अब रिएक्शन प्रोग्रेस जो है वो ऑलमोस्ट 95% तक अब कंप्लीट हो रहा है यहां, मतलब 95% अमाउंट तक SO2 आपका कंज्यूम हो जा रहा है। अब जब SO3 आ गया, अब यहां से सल्फ्यूरिक लाना है तो आप एक प्रोसेस तो पढ़े हैं कि हाइड्रोलिसिस, याद कीजिए। यस सर। तो हाइड्रोलिसिस करेंगे तो H2SO4 बन जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। यस सर। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे, वजह ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होगा। ध्यान से, हाइड्रोलिसिस रिजल्ट्स एक्सप्लोजन, एक तरीके का विस्फोट होता है, एंड मिस ऑफ फुहारा, धुआं, फॉग, H2SO4 में रिजल्ट पॉइजनिंग ऑफ एनवायरमेंट। अच्छे से समझिएगा, इसीलिए हम लोग सो टू गेट H2SO4, SO3 is not hydrolyzed। अच्छे से पॉइंट को समझा है, ये रिएक्शन थोड़ा सा एक्सप्लोजन करवाता है, विस्फोट करवाता है, मतलब एक तरीके से विस्फोट होगा, अचानक रिएक्शन जो होगा। तो अगर ऐसा हुआ तो इससे जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड आता है ये पूरा धुआं के रूप में आएगा, मिस्ट आएगा, इसका फॉग आएगा।
तो एक तो उस एनवायरमेंट को वो पॉइजनस करेगा, दूसरा H2SO4 इज हाईली कोरोसिव, H2SO4 इज हाईली कोरोसिव, बहुत ज्यादा कोरोसिव है, स्किन को डैमेज करेगा, अगर आपकी स्किन पर पड़ गया ज्यादा अमाउंट में तो आप दोबारा स्किन हील भी नहीं होगी, ठीक है। तो आप डायरेक्टली SO3 पर वाटर डाल करके सल्फ्यूरिक नहीं बना सकते, क्योंकि अगर बनाए तो एक्सप्लोजन एनवायरमेंट का भी को भी पॉल्यूट करेगा, ये वहां भी पॉइजन क्रिएट करेगा, और दूसरी बात अगर कोई आदमी रहा, व्यक्ति रहा, साइंटिस्ट कोई भी वहां लैब में काम कर रहा तो फिर उसके लिए वो हार्मफुल है। तो हम लोग इसको अगला स्टेटमेंट सीधे हाइड्रोलिसिस नहीं करते, समझिएगा चीजों को, रिएक्शन है कि अगर आप करेंगे तो ऐसा होगा, लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं, हमको लाना सल्फ्यूरिक है, तो हम क्या करेंगे, SO3 को सल्फ्यूरिक में ही डुबा के फिर से सल्फ्यूरिक बनाएंगे। सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए पहले सल्फ्यूरिक एसिड खर्च करेंगे फिर सल्फ्यूरिक बनाएंगे। तो बोलिएगा सर अंतर क्या होगा, अंतर यही होगा कि आप अगर 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड खर्च करेंगे तो आपको 2 मोल सल्फ्यूरिक बनने वाला है। हम एक्सप्लेन करते हैं कैसे, यहां तक पहले कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, रिएक्शन को आगे शिफ्ट करने के लिए अगर हम टेम्परेचर, इस प्रेशर को भी देखना, टेम्परेचर को अगर इस रेंज के लो ले जाएंगे तब भी प्रॉब्लम है। लो टेम्परेचर का यही मतलब हुआ कि ठीक है ये भी टेम्परेचर लो नहीं है, लेकिन इस रेंज के प्रेशर के साथ ये रेंज का जो टेम्परेचर है हमारा कॉम्पेटेबल है, अदरवाइज टेम्परेचर अगर हम बढ़ाए इससे लो ले जाएंगे तो फिर नहीं होगा, अगर इससे हम बढ़ाएंगे तो जानते हैं जो थर्मिक रिएक्शन में फिर वो सेटेबल नहीं, ठीक है। विदाउट H2SO4 का नहीं बनेगा सर, नहीं इसको नहीं बना पाएंगे, हम एक्सप्लेन करें। ये जो हमारा SO3 है, SO3 में हम लोग 1 मोल H2SO4 ऐड कर रहे हैं, और ऐसा करने पर H2SO7 बनता है। देखिएगा सल्फर अभी भी 6 में है, सल्फ्यूरिक में, सल्फ्यूरिक एसिड का ही 2 मतलब डाइमर है, तो इसको आप डाइसल्फ्यूरिक कह सकते हैं, सिंपल है, और ये कंसंट्रेटेड है काफी, हम इसको ओलियम बोलते हैं। H2SO4 बनाने के लिए 1 मोल और H2SO4 का इस्तेमाल किया, अब ये बना H2SO7 डाइसल्फ्यूरिक, अब इसको पास थ्रू हीट एक्सचेंजर, इसको पास कर रहे हैं एक हीट एक्सचेंजर के थ्रू, जहां पर इसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है, मतलब अब ये वाटर से रिएक्ट कर रहा है। जब ये डाइसल्फ्यूरिक एसिड वाटर से रिएक्ट किया, इसका मैकेनिज्म आगे हम समझाएंगे भी, तो 2 मोल सल्फ्यूरिक एसिड आ गया। यस सर, वीडियो रुक गया, ठीक है। एस एस OH, OH, दो हाइड्रोजन, दो OH, 7 ऑक्सीजन है, 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7। जब आप वाटर लाए हाइड्रोलिसिस करवाने के लिए, आपको हाइड्रोलिसिस सिखाए भी हैं, ये देखिए ये सल्फर पर अटैक किया, पाई बॉन्ड्स आर फ्लेक्सिबल, ओपन हुआ। अब जैसे ये यहां पर कोऑर्डिनेट को तोड़ेंगे प्लस और माइनस में, तो ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज, अनस्टेबल, तो यहां क्या हो गया, S O माइनस और फिर OH डबल बॉन्ड O और एक नया अटैच हो गया OHH, यहां पर आ गया प्लस और यहां पर आया माइनस, ये शिफ्ट हुआ था तो प्लस माइनस न्यूट्रल,
और यहाँ पर है आपका सल्फर डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ लीजिए एक OH. अब ये वाला इसको वापस भरेगा, जब दौड़ेगा ये पेयर पाइप बनाने के लिए तो इसको शिफ्ट होना पड़ेगा, जब ये शिफ्ट होगा ये इधर शिफ्ट होगा तो यहां से जो H प्लस निकला है अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, H प्लस यहां से जो निकला है वो H प्लस वहां पर अटैच होगा तो क्या बन जाएगा, यहां S OH OH डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ सल्फ्यूरिक प्लस, यहां भी कितना OH हो जाएगा, एक डबल बॉन्ड ओ, दो डबल बॉन्ड ओ और एक OH दूसरा OH, समझ रहे हैं, तो क्या बन गया, टू मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. मिक्स्ड मैकेनिज्म है ये. तो एनीवेज, तो पॉइंट ये है यहां पर कि H2SO4 बनाने के लिए SO3 में हम लोग एक मोल H2SO4 ऐड करते हैं और उससे डायसल्फ्यूरिक तैयार होता है, फिर डायसल्फ्यूरिक का हाइड्रोलिसिस करते हैं तब वापस ये आता है और ये अप टू 90% कंसंट्रेशन इसका मिलता है, सॉरी 95% कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है. तो जिस चीज को बनाना है उसी का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं. तो सल्फ्यूरिक एसिड में सिंपल प्रोसेस में क्या क्या हुआ आप बताइए, क्या सब किए, SO2 को O2 डाले और SO3 में कन्वर्ट किए, SO3 डिग्री सेंटीग्रेड 1 से 2 एटीएम कैटलिस्ट इस्तेमाल करके, और फिर इस पर H2SO4 डाल के क्या बना दिए, H2S2O7 और फिर H2SO7 जब हाइड्रोलाइसिस करें तो वहां फॉग उग नहीं निकलेगा ना, डबल बेटा फिर से बोलो, H2S2O7 में जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो वहाँ एनवायरमेंटल को प्रॉब्लम करने वाला फॉग तो नहीं निकलेगा, नहीं अब नहीं निकलेगा, वो सॉल्यूशन निकलता होगा, वहाँ फ्यूम्स नहीं आएगा. अब यहाँ पर है जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में विच इज द एक्चुअल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस पहला SO2, दूसरा एयर, तीसरा SO3, चौथा V2O5, सॉरी वॉट हमारा क्वेश्चन है विच इज द एक्चुअल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में वास्तविक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, क्वेश्चन का पहले मतलब समझा जाए अच्छे से. एक्चुअली आप जब SO2 पर V2O5 कैटलिस्ट का इस्तेमाल किए तो ये SO3 पे गया, क्या ये SO3 ऑक्सीडेशन है, लेकिन इसमें एयर है साथ में और फिर SO3 पर आप H2SO4 दिए तो H2S2O7 बना. अब सोचिए ये तो नॉन रेडॉक्स है ना, yes, sir. Yes, sir. और फिर जो H2S2O7 बना इसका तुम लोग हाइड्रोलिसिस किए तो अभी भी सल्फर प्लस 6 में और दो मोल सल्फ्यूरिक आया तब भी सल्फर प्लस, फिर ये भी क्या हुआ आपका नॉन रेडॉक्स. तो सवाल है रेडॉक्स स्टेप या ऑक्सीडेशन, नॉन रेडॉक्स ऑक्सीडेशन स्टेप तो बेटा यही है,
हमारा क्वेश्चन है कि कौन इसमें एक्चुअल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इस कॉन्टैक्ट प्रोसेस में, B2O5 है, एयर है, H2SO4 है कि B2O5 क्या है, SO2 है क्या है? यही जानती है पूरी दुनिया। आंसर इज एक्चुअली क्या होता है जरा समझिए, होता क्या है, SO2 को एक्चुअली वैनेडियम पर 5+ जो V2O5 है ये ऑक्सीडाइज करता है, ना कि एयर, और SO3 में ले जाता है, और SO3 ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिएक्शन हुआ V पर 4+, और V पर 4+ को एयर दोबारा से ऑक्सीडाइज करता है, एयर इसको ऑक्सीडाइज करके V पर 5+ में ले जाता है। यही बात तो होती है कि कैटलिस्ट रिएक्शन में भाग लेता है, आप लोग पढ़े होंगे, और वापस भाग लेके निकल जाता है, तो ये यहाँ यही किया है, वी पर 5 प्लस जो है वही एक्चुअली ऑक्सीडाइज किया है SO2 को, O2 नहीं किया, और वो वी पर 4 प्लस में आया, एयर उसको वापस वी पर 5 प्लस V2O5 पर पहुंचा दिया। इसलिए वास्तविक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कॉन्टैक्ट प्रोसेस में कौन है, एयर नहीं है, V2O5। ऑर्गेनिक में यही छोटी गलत पढ़ा देते और उनको अंदाजा नहीं होता कि हम गलत पढ़ा रहे, यही इनऑर्गेनिक के पॉइंट, रिजल्ट सही ले आएगा लेकिन प्रोसेस उसके अंदर का गलत होता है, इनऑर्गेनिक में नई चीजों को सीखना है भारतीयों से। चलिए तो आज हम यहीं पे ड्रॉप करते हैं आज के क्लास में, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर, SO3 का स्ट्रक्चर, कुछ ब्लीचिंग का कुछ पार्ट, कुछ क्वेश्चन उस पर करवाए, अगले क्लास में हम लोग सल्फर के बाकी ऑक्साइड्स, ठीक है, थैंक यू। Yes, sir. Thank you, sir. Not a party. Thank you, sir. Bye, sir.